बताते गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 9 बज रहे हैं, माँ भगवती की पूजा पाठ हो गई। आज का ना मौसम थोड़ी बहुत ही अच्छा है, यानी सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश तो हो रही है पर उमस वाली गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं चावल के आटे के आलू भंडा। तो आलू भी हमने छील लिया है और मैश भी कर लिए हैं, यानी आलू हमने सुबह ही बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पानी भी डालते जा रहे हैं और नमक भी अभी डालेंगे। चावल का आटे में ना थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके अच्छे से मैश करना पड़ता है, नहीं तो फिर गुलथियाँ पड़ जाती हैं। तो इसमें भी हम नमक डाल देते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालेंगे, मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। थोड़ी सी यही पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, यानी जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हरी धनिया भी काट करके डाल दिए। और ये वाले आलू बंडे ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, यानी चावल के आटे वाले कुरकुरे बनते हैं। हम लोग तो हमेशा बनाते रहते हैं जैसे बेसन के बनाते हैं, तो इस बार मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है कि जैसे हम लोग बेसन के बनाते हैं आलू बंडे, वैसे ही हम चावल के आटे के बनाएंगे। तो आज आप लोग भी आ जाइए, और मौसम भी बहुत ही अच्छा है, और आपकी दीदी तो नहीं खाएगी, देखिए अभी भी हम कितने मोटे हैं। और हमारी बहनें, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी ये मोटापा को कैसे कम करें, तो सबसे इजी तरीका है आप शाम सुबह टहलना शुरू कर दीजिए, और जो भी आप बनाते वाली चीज़ें ना खाइए, कोशिश यही करिए जैसे कि आपकी दीदी करती। हम तो नहीं खाते हैं, सिर्फ हम बनाते हैं, बनाने के बाद सबको खिलाते हैं बट हम नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत अगर इच्छा भी करती है तो एक दो ले लेते हैं, लेकिन कोशिश यही करते रहते हैं कि नहीं लेना है। वैसे होता है कि हम बहनें जो चीज़ बनाएं और खाएं ना, तो बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है कि इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं और खाते नहीं हैं। लेकिन हाँ, अपने शरीर को अगर कम करना है तो ये चीज़ें हमको नहीं खाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, कुरकुरे वाले हमारे आलू बंडा बन करके तैयार हो गए हैं, यानी बहुत ही कुरकुरे हैं। तो चलिए पहले सबको नाश्ता कराते हैं, और नाश्ता कराने के बाद अपनी सिरी बिटिया की मालिश भी कर देते हैं। इसकी मालिश करने के बाद ना, मतलब सर में जब तेल हम लगा करके और ऐसे ऐसे दबाते हैं ना, तो जैसे बूढ़ी अम्मा दाई ना सर में तेल यानी दबाते समय बड़ी खुश होती, वैसे ही खुश होती है। और वैसे भी हमारी YouTube फैमिली, आप लोगों ने श्री बिटिया के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है। सच बताएं, इतनी सुंदर और बहुत ही शांत है, इसको जब बुबू मिल जाता है ना तो बिल्कुल नहीं रोती है। तो इसके बाद हम ले आए हैं ऊपर के बाथरूम में, और मतलब तुरंत नहीं नहलाना चाहिए मालिश करने के बाद, ये आराम से 1.5-2 घंटा सोई हैं, इसके बाद ही नहला। पूजा कर लीजिए, सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। पूजा करते हो? ये हमारी श्री बिटिया स्नान कर रही है। गाइस, ये ना स्नान करते समय कभी रोती नहीं है, देखेगा ज्यादा नहीं, नहीं तो नाक में और आंख में पानी लग जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है गम्मी में नहाना। ओले तो ओले, बहुत अच्छे दिख रहे आप, सुंदर सुंदर दिखने लगे हो। ओले तो ओले बेटू। सो गाइस, आज अब मना रहे हैं अपनी नंदरानी के लिए मेवे वाले सौंठ करी वाले लड्डू। तो पहले हम मेवा भूंज लेते हैं, थोड़ी से घी डाल करके मखाना अच्छे से भून लिए हैं। इसके बाद ये है हमारा, ये है गोंद, गोंद को भी अच्छे से तल लिए हैं। तलने के बाद ना मखाने की तरह एकदम से फूल फूल के हो गए हैं। तो जितना भी यहाँ पर मेवा है, काजू है, बादाम है और पिस्ता है, सबको थोड़ी थोड़ी घी डाल करके, गरी है, कुछ गरी को कद्दूकस कर लिए थे, कुछ गरी को ना चक्कू से हंसिया से काट लिए थे। और आप लोग गोंद को क्या बोलते हो, हमारी तरफ तो गोंद ही बोला जाता है। तो यहाँ पर मेवा पूरा भूंज करके निकाल लेते हैं। इसके बाद 1.5 किलो तक ये आटा है, तो आटे में घी डाल करके आटे को भी भूंज लेते हैं। सिर्फ आटा भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि स्लो आँच में ही आटा भूना जाता है। और इसमें ना अभी हम डालेंगे, यानी हल्दी डालेंगे। तो हल्दी डालने से ना हमारा आटा पीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने हल्दी डाल लिया और अच्छे से इसको भून लेते हैं। भूनते भूनते जब इसमें खुशबू आने लगेगी तभी हम समझ जाएंगे कि हमारा आटा अच्छे से भून गया है। सो गाइस, यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से भून गया था। भूनने के बाद स्टील के बड़े वाले भगोने में हमने डाल दिया है, और उसी कढ़ाई में हमने देसी घी और इसके बाद ये कूटा हुआ गुड़ भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालेंगे, गुड़ का ही सीरा बनाएंगे। तो ये लड्डू ना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, आप 1-2 महीने रख करके भी आराम से खा सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यानी चाशनी बना रहे हैं,
और वैसे आप शक्कर की भी चाशनी ऐसे ही बना सकते हो, जैसे गुड़ की जगह है आप शक्कर भी डाल सकते हो। तो शक्कर भी हमने थोड़ी बहुत ना इसमें यानी पीस लिया था, क्योंकि गुड़ वाले लड्डू ना इस समय जैसे गर्मी है तो नुकसान भी करेगा, क्योंकि बेबी दूध भी पीती है, और जैसे ठंडियों में है तो हम शक्कर ना भी डालें तब भी चलेगा। आप गुड़ डाल करके ही लड्डू बनाइए। तो यहाँ पर जितना मेवा था, आटा था और सौंठ भी इसमें हम डाल लिए हैं, अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। अब चलिए बनाते हैं आराम से बैठ करके लड्डू। तो यहाँ पर मीना, सासू माँ, हम सब लोग लग गए हैं लड्डू बनाने में। थोड़ी सी मेहनत है, देखिए जो घी वाली चाशनी के लड्डू रहते हैं इसमें थोड़ी मेहनत पड़ती है। तो वही मीना बोल रही है कि बंद नहीं रहे हैं, इसकी चाशनी और बनाइए, घी डालिए। तो हमने कहा देखो इसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, आराम से बांधो बंध जाएंगे। और ये वाले लड्डू ना बहुत ही टेस्टी रहते हैं, यानी कुरकुरे भी रहते हैं, और एक दो महीने आप आराम से रखिए, खाते रहिए, ख़राब भी नहीं होंगे। सो गाइस ये वाले लड्डू ना हमारे मायके में ही बनते हैं, यानी हमारी भाभी लोग ना ऐसे ही बनाती हैं। तो हम तो सीखे हैं अपनी बड़ी वाली दीदी से, यानी रुचि की मम्मी से, मतलब बड़ी वाली दीदी ना ऐसे हमारे टेस्टी वाले सोठगरी वाले लड्डू बनाती हैं। तो एक बार जब हम पीलीभीत में थे ना अपने भाभी के यहाँ, तब भाभी जी को बना करके खिलाए थे जब उनकी छोटी बेबी हुई थी, और यहाँ पर हमारे लड्डू बन गए हैं, यानी 1.5-2 घंटा लग गए थे बंधने में। और आज हमारी नंद रानी की तैयारी भी है, तो आप लोग भी आ जाइए, सोठगरी के लड्डू खाइए। और मतलब मेहनत तो पड़ी बट लड्डू बन गए हैं, और भगवान जी का भोग भी लग गया है, और यहाँ पर सभी का थोड़ी थोड़ी भोग लग गया है कि लड्डू कैसे बने हैं सोठगरी वाले। तो ऐसे होता है ना, जो ये वाले लड्डू बनाओ ना तो बच्चों को तो नहीं पसंद है, बट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मेरे बच्चे हुए थे ना तो मेरे यहाँ से ना काफ़ी यानी मेवा मिश्री आया था मायके से, जो दौरी पीढ़ा में आता है ना, तो सासू माँ बहुत बनाई थी लड्डू, और हम खूब मोटे भी थे लेकिन लड्डू खाते थे, योगा वगैरह करते थे ना तो फिट हो गए थे, लेकिन लड्डू हमको बहुत ही पसंद है। तो हम भी ठंडियों में बनाएंगे ये वाले लड्डू। तो यहाँ पर लड्डू बन करके हमारे तैयार हो गए हैं, आधा एक घंटा ऐसे इनको खुला रखेंगे, इसके बाद हम डिब्बे में इनको पैक कर देंगे। अब इसके बाद चलिए और भी तैयारी करना है नंदरानी की, तो जल्दी सब पूरी पैकिंग करवा देते हैं, सिरी बिटिया को रेडी कर देते हैं। और आज कोई आया भी है, कौन आया है, तो हमारी लक्ष्मी की मम्मी आई हैं, और क्या लेकर के सिरी बिटिया के लिए आई हैं? गाइज ये देखिए आज ही आई हुई हैं लक्ष्मी की मम्मी, आप तो लक्ष्मी की मम्मी को अच्छे से जानते हैं। और सिरी के लिए क्या लेकर के आई हैं? अपनी चाय देखिएगा, हाथ नहीं मार दे। और देखिए अरे श्री के कितने सुंदर पायल, कौन लेके आया बेटू, कौन लेके आया है? और आज हमारी श्री बिटिया की तैयारी भी बन गई है, जा रही है अपने यानी दादी के पास। क्यों बेटू, बेटू क्यों है? आज हमसे लिपट के अभी रो रही थी, जैसे मैं कमरे में लिए थी ना तो ऐसे खूब तेज से रोने लगी। मैंने कहा देखो बच्चे बोलते नहीं पर ये लोग जानते हैं कि मैं जा रही हूँ ना। तो क्या पहने हो, कितने सुंदर लग रहे हैं इसके पैरों में। जब बिट्टू चलेंगी ना तो बहुत सुंदर लगेगा ना, छुमुर 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 छुमुर। बेटू बिट्टू क्या पहने हो? तो हम बिट्टू के अब लगा देते हैं रंग। आप लोग कहोगे कि बिट्टू किसको कह रहे हैं, तो गाइज बचपन का नाम इनका बिट्टू ही है, प्यार से अभी भी हम बिट्टू ही कहते हैं। तो और सिरी ना इतना खुश हो रही है अपने पायल देख करके ना, बच्चों में कुछ होता है ना, छुम छुम बज रहे हैं तो सोच रहे मेरे पैरों में कि क्या है बांध दी है, और मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ बोल नहीं पाती है लेकिन बहुत खुश हो रही है। और ये जितनी तैयारी इनकी हो रही ना उतना ही हमको रोना भी आ रहा है। सच बताएं जब से आई थी इतना अच्छा लगता था, और छोटे बच्चे होते ही हैं, जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना एकदम से घर भरा भरा सा रहता है। और अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए ना तो हमारी सुनते भी नहीं, बहुत ही परेशान करते, लेकिन हाँ जब छोटे बच्चे रहते ना आराम से इनके मालिश कर दो, नहला दो, सुला दो, कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति रहती है। रेडी हो गई ना, पायल देखती है, पायल देखो 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 देखो। हेलो हेलो गाइस, तैयार हो गए, कब आओगे श्री? आज पूरा दिन सिरी बिटिया में क्या है, क्या है बिट्टू, अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो बिट्टू हमसे रो रही है, मानी हमको नहीं जाना है,
हमारे वहाँ कौन मालिश करेगा? जा रहे हैं इनके साथ? क्यों मनु, आप भी जा रहे हैं श्री के साथ? अब मामा आएंगे, किसको खिलाएंगे शाम को? मामा किसको खिलाएंगे? फिर टकलू मामा आएंगे। टकलू मामा बस टकलू कर लेंगे। टकलू मामा खड़ी कर देते। सो गाइज, यहाँ पर फाइनल तैयारी बन गई है, नंद रानी की विदा विदाई हो रही है और श्री को लिए हम टहल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बिट्टू तुम जाओ, इसको हम रख लेते हैं। और ये बहुत ही शांत है, हमने कहा काऊ दूध पिलाएंगे इसको और आराम से बच्चों के साथ। और यहाँ पर गोविंद, कृष्णा, मनु सभी लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं श्री को मत बुआ लेकर के जाइए, श्री को हमारे पास छोड़ दीजिए। और आज से हमारी श्री बिटिया रहेंगी रायबरेली में अपनी दादी के पास। पापा जी ही कार से लेकर के जा रहे हैं और मनु, गोविंद दोनों लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं मम्मा हम भी जा रहे हैं। 6:30 बज रहे हैं और हम आगे ही छत में अभी तक ना पूरे 1.5 घंटे से हम लोग नीचे ही बैठे रहे हैं। और आज ना रूम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये टाइम ना हम सीरी के मालिश किया करते थे और आज तो रूम में जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। और मनु, गोविंद दोनों लोग ना भेजने गए हुए हैं और रात में ही ये लोग वापस भी आ जाएंगे। बच्चे होते इतने प्यारे हैं, सच बताया ना 20-25 दिन ऐसे निकल गए कि बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता था, कब सुबह हो रही, कब दोपहर हो रही, कब शाम हो रही है। बस उसी में हम सब लोग लगे रहते थे। आज कितने समय बाद है हम यहाँ पर छत में ऐसे बैठे हुए हैं। इतनी समय ना सब लोग रूम में ही रहते थे क्योंकि उसके लिए ना अभी भी यहाँ पर इतनी गर्मी है। धूप तो नहीं है बट उमस वाली गर्मी बहुत ही तेज़ है। सब लोग ना वही एसी वाले रूम में हम लोग बैठे रहते थे। 7:30 बजे निकलते थे जब आरती का टाइम होता था। जा रहे हैं, पौधों में पानी दे देते हैं, छत में भी पानी डाल देते हैं। धुलाई तो आज नहीं करेंगे क्योंकि जब भी बेटियां विदा होती है ना तो झाड़ू पोछा और मतलब धुलाई भी नहीं करना चाहिए, तो अपने पौधों में पानी भी डाल देते हैं। वैसे सुबह तो बारिश हुई थी लेकिन फिर भी हमारे पौधे एकदम से सूखे सूखे दिख रहे हैं। और काफ़ी समय से दिमाग में यही है कि जितने भी गमले में पौधे लगे हुए हैं ये सब पौधों को हटाना है और कुछ सुंदर सुंदर पौधे लगाना है क्योंकि सब बेजान से हो गए, एकदम से सूख गए हैं। इस बार की गर्मी ना तो पौधों को एकदम से हिला करके रख दी है। तो यहाँ पर पानी भी डाल देते हैं, चिड़ियों को पानी भी रख देते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे सोंठगरी के लड्डू आप लोगों को कैसे लगे, किसको किसको पसंद आए हमारे सोंठगरी के लड्डू? हाँ, लेकिन आप लोगों ने चखा तो नहीं है, बस आप लोगों ने देखा ही है। सोंठगरी के लड्डू तो सभी को पसंद रहते हैं, वैसे हम बहनों को ख़ास तौर पर पसंद रहते हैं। तो यहाँ पर आज का व्लॉग काफ़ी लंबा भी हो गया है और मतलब आज बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था श्री बिटिया के जाने से। सो गाइज, इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस।